जानते हैं कि शाहरुख इन दिनों डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हैं? जी हाँ, शाहरुख इस समय एक ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि वो सारी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स को रिजेक्ट करने में लगे हुए हैं। हाल ही में उनके प्रोडक्शन तले फिल्म बदला रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। शाहरुख इस फिल्म से खूब प्रॉफिट कमाने वाले हैं, लेकिन खुद शाहरुख के लीड रोल वाली फिल्में पिछले कुछ समय से अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही हैं। पिछले साल रिलीज हुई जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान को गहरा सदमा लगा था। इनफैक्ट उन्होंने खुद फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा था कि अगर उनकी फिल्म नहीं चली तो उन्हें साल भर कोई काम नहीं मिलने वाला। वहीं जब उनका डर सच साबित हुआ तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। इस सदमे ने शाहरुख को इतना परेशान किया कि उन्होंने राकेश शर्मा के बायोपिक को ही ना कर दिया। वैसे उनके फैंस को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खबर मिली है कि शाहरुख जल्द ही सलमान खान के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा के रीमेक में काम करने वाले हैं। बहरहाल शाहरुख को कोई ऐसे ही तो बॉलीवुड का बादशाह नहीं कहता, लिहाजा हम तो यही चाहेंगे कि शाहरुख बस अपने डिप्रेशन से बाहर निकले और अपने फैंस का मनोरंजन करें। फिल्मी दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नव भारत टुडे। नव भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द